Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to show you one of the paintings, the title of which I have kept Thriving Amid Militancy. So as you all are aware that this splash of colors itself portrays the heart and mind of the painter. Here in this painting I chose to depict Tomb of Two Worlds, the union of two worlds, or the coexistence of two worlds. जिसमें एक लाइफ फुल डिसएग्रीमेंट और क्योस के बीच में अपनी जो विंग्स है उसको कट कर देती है और वहीं जो दूसरा लाइफ होता है वो उसे चूज करता है कि नहीं, इनके बावजूद भी आई हैव टू फ्लरिश। जो इस पेंटिंग का बैकग्राउंड है वो शो करता है क्योसनेस ऑफ लाइफ एंड जो लोटस है वो रे ऑफ होप देता है कि नहीं, इवन इन दिस क्योस द कम्फर्ट कैन बी अटेंड और सेरेनिटी कैन बी अटेंड। दैट इज वाई इट जस्टिफाइज द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग, दैट इज थ्राइविंग एमिड बेलेटेंसी। इस पेंटिंग का दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जो ये बैकग्राउंड शो कर रहा है वो विविडनेस ऑफ लाइफ, द क्योसनेस ऑफ लाइफ शो कर रहा है, द क्लस्टर ऑफ लाइफ्स। एंड अगर आप इसमें जो ये लोटस है वो ये डिपिक्ट करता है कि अगर आप किसी भी लाइफ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल गेट दैट एवरी लाइफ इज यूनिक एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक लाइफ का अपना एक अलग ही यूनिकनेस है एंड वो चीज़ शो करता है यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी। एज एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स एज वेल, एंड बाय कमिंग टुगेदर दे फॉर्म वन इंडिया। डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।